और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे ही होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड थर्ड और सक्सेसिव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जिस तरह से हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे आइसोलेटेड गैशियस एटम में जब हम पहला इलेक्ट्रॉन आपका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एनआईन के फॉर्म में हो जाएगा आपका ए नेगेटिव अब इसमें जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्यों एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी क्योंकि अब जो हमारा जो ये है एनआईन नेगेटिवली चार्ज हो गया और अब यदि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा इस वजह से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस टू कन्वर्ट ए टू ए नेगेटिव इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारी एनर्जी ए को ए नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड हो रही है उसे हमने कहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी सप्लाइड इन प्रोसेस टू कन्वर्ट ए नेगेटिव टू नेगेटिव अब जो हमारी ए नेगेटिव नेगेटिव को A2 में कन्वर्ट कर रही है इसे हमने कहा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे कि अभी बताया आपको आपकी सेकंड और हायर ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं क्यों होती है क्योंकि उन जो ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन उसमें है और एक इलेक्ट्रॉन हम क्योंकि अब हमने जो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया अब जब हम उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन एड करेंगे तो एक रिपल्शन होगा किसमें जो आपका नेगेटिवली चार्ज एनायन है और जो दूसरा हम इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसलिए जो हमारी सेकेंड और हायर ऑर्डर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती हैं वो हमारी हमेशा उनकी

तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इंक्रीज होती है क्यों इंक्रीज होती है है क्योंकि पीरियड में हमारा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन जो है आपका एटॉमिक साइज तो छोटा होता रहता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है तो अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की न्यूक्लियस की टेंडेंसी बढ़ेगी क्यों चूँकि न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और आने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो जो न्यूक्लियस की हमारा जो है अट्रैक्टिव पावर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी क्यों चूंकि आपकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एडिशनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अब यदि हम ग्रुप में देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ग्रुप में हमारी टॉप से बॉटम की तरफ क्यों हो जाएगा दिस इज बिकॉज द एटोमिक साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग जो हमारा एटॉमिक जो साइज़ है वो बढ़ जाता है जब हम जो है टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा क्योंकि हमारा जैसे जो है साइज एटम का बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली हमारा घटना शुरू हो जाएगा अब यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनेटी वैल्यूज नहीं हमारी डिक्रीज हो जाएगी अब क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी को फर्स्ट साइज साइज किस तरह का है लार्जर एटम हैव लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इफिनिटी जो हमारे बड़े एटम होते हैं उनकी लो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की क्यों होती है चूंकि अब यदि हमारा उसका साइज बड़ा है तो आपका जो है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है अब डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसका जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है बाहर तक नहीं न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसकी जो है

तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती है क्यों बढ़ती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ तो उसके साथ 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 हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती रहती है नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा हमारी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होती है उतनी ही कम हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है क्यों क्योंकि आपका जो है जो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जो पेनल्टी मेड की शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं जाने दे रहे अब यदि उस शेल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक उसका जो है आपका अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं पहुंच पा रहा तो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही आपकी कम हो जाएंगी क्यों क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमारा जो जो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से पेनल्टी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो है हमारा जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पा रहा तो जो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारी वो घट जाएगी तो इस वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घट जाएगी अब नेक्स्ट फैक्टर है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो होते हैं हमारे कंपेरेटिवली मोस्ट स्टेबल होते हैं तो उनकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होती है या बहुत कम होती है क्यों क्योंकि मतलब जो आपका फुली फिल्ड है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड ही नहीं है जो हाफ फिल्ड सिस्टम है वो हमारा स्टेबल है तो आपका इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइदर जीरो होती है या बहुत कम होती है अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज ग्रेटर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंट्रिंग इन एस ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है हाई होती है यदि एक इलेक्ट्रॉन को हम एस ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं एस कम्पेयर टू पी क्यों चूंकि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो उसके अंदर जो पास होने की वजह से क्या है उसका अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस पे उसके अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपकी हाई हो जाएगी चूंकि उसके इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो आपकी सबसे ज्यादा एस की है फिर पी की है फिर डी की है और फिर एफ की है अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होती है वो कम होती है सल्फर और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्यों जो आपका ऑक्सीजन और आपका ये सल्फर हैं दोनों एक ही ग्रुप के मेम्बर हैं और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ग्रुप के मेम्बर हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपकी वो सल्फर से कम है और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है लेकिन जबकि होता उल्टा है अभी हमने आपको क्या बताया कि ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या है घटती रहती है लेकिन अब इस हिसाब से पहले वाले मेंबर की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन होती कम है क्यों होती है दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन एटम अब हमारा जो ऑक्सीजन का और फ्लोरिन का साइज है वो बहुत छोटा है इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है हमारी जो है इनके कंपैरिजन में कम है द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिलेटिवली कॉम्पैक्ट अब हमने अभी पढ़ा कि जो छोटा साइज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो जो है न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस बढ़ता है लेकिन साथ के साथ एक दूसरा फैक्टर भी है कि आपका जो है उसका साइज हमारा छोटा है कॉम्पैक्ट है तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसका और जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच में एक रिपल्शन ज्यादा होता है तो वो जो जो है जो है अट्रैक्टिव उन्हें सुप्रेस कर देता है इस वजह से हमारा जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो है affinity, जो सल्फर और क्लोरीन के वेरी हाई इलेक्ट्रोन वैल्यूज जो होती है वो हेलोजन की बहुत हाई होती हैं क्यों दिस इज बिकॉज ऑफ द अ स्ट्रॉग टेंडेंसी टू अक्वायर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस जितने भर भी हमारे होते हैं उनकी जो होती है वैलेंसी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हुआ होती है जैसे हमारा हेलोजेंस में हम पहला मेंबर ले लें फ्लोरीन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है अब फाइव है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारा जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है इसलिए जो है हेलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई होती है और जो इलेक्ट्रोन एफिनिटी होती है बेरिलियम मैग्नीशियम और नोबल गैसेस की वो जीरो होती है क्यों जीरो होती है चूंकि बेर जो है आपका बेरिलियम मैग्नीशियम और जो नोबल गैसेस होती हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है आउटर में उस शेल फिल होती है तो यदि हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो वो नेक्स्ट शेल में ऐड करना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की गुंजाइश नहीं है इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है हमारी जीरो होती है अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत कम होती है क्यों होती है अभी हमने पहले बताया था कि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो इस वजह से इनका इन जो नाइट्रोजन uh, और फास्फोरस है इनका जो शेल्स uh, हैं वो हाफ फिल्ड हैं तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो कम है अब एलिमेंट्स जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जनरली हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और यदि हम हेलोजेंस में कंपेयर करने लगे तो सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा हमारा फ्लोरिन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमिन और फिर आयोडीन दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थैंक यू